जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको साल 2021 में किन लोगों की शादी होने जा रही है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। यह जानकारी ग्रह गोचर की स्थिति और प्रकांड पंडित की भविष्य गणना के अनुसार दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव ग्रह की स्थिति और व्यक्ति के कर्म अनुसार हो सकता है। हालांकि भविष्य गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते ऐसा हो रहा है कि आपको यथाशीघ्र जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप कृपया इंतजार करें और धीरज रखें। इसके अलावा अगर आप शुल्कीय ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल कर सकते हैं अथवा आप मैसेज के जरिए भी जानकारी पा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आज के वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है कि जिन लोगों की शादी 2021 में होगी उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो आइए जानते हैं। मेष राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी के योग 27 वर्ष तक रहती है। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है तो 2021 में शादी की प्रबल संभावना है। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर हो सकता है। साथ ही शादी का दिन मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए आप शिव जी की पूजा करें, आपका कल्याण होगा और माता पार्वती की कृपा से आपका विवाह जल्द हो जाएगा। वृषभ राशि के लड़के लड़कियों के शादी के योग 23वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि 28 वर्ष तक शादी के योग रहते हैं। तो अगर आपकी आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तो 2021 में शादी के योग की प्रबल संभावना है, जबकि शादी का महीना जनवरी, मार्च या अप्रैल हो सकता है। हालांकि इसमें बदलाव संभव है और यह बदलाव ऐसा है कि जनवरी में केवल एक दिन विवाह मुहूर्त है, अर्थात आपकी शादी अप्रैल में होने की संभावना अधिक है। शीघ्र विवाह के लिए मंगलवार को हनुमान जी को फूल चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा और आपकी शादी शीघ्र होगी। मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की शादी की योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी के योग 29 वर्ष तक रहता है। तो अगर आपकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है तो आपकी शादी 2021 में जरूर होगी। शादी का महीना जून और जुलाई, दिसंबर, नवंबर हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, आपकी शीघ्र शादी हो जाएगी। कर्क राशि के लड़के लड़कियों के शादी के योग 25वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी के योग 29 वर्ष तक है। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो 2021 में आपकी शादी जरूर होगी। शादी का महीना अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी शादी जरूर हो जाएगी। सिंह राशि के लड़के लड़कियों के शादी के योग 26वें वर्ष से बनने लगते हैं, इसके साथ ही शादी के योग 31वें वर्ष तक रहता है। तो अगर आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक है तो 2021 में आपकी शादी की प्रबल संभावना है। शादी का महीना नवंबर, दिसंबर हो सकता है। इसके अलावा जुलाई में भी शादी के योग आपके बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें, शनिदेव को, आपका कल्याण होगा। कन्या राशि के जातकों की शादी के योग 27वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी के योग 32 वर्ष तक रहती है। तो अगर आपकी आयु 27 वर्ष से अधिक है तो 2021 में आपकी शादी के योग की प्रबल संभावना है। शादी का महीना अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर हो सकता है। साथ ही शादी का दिन बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। तुला राशि के जातकों की शादी 20 वर्ष से
लेकर 28 वर्ष के बीच होती है। तो अगर आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है तो 2021 में आपकी शादी जरूर होगी। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में हो सकती है शादी। साथ ही दिन शुक्रवार, शनिवार तथा बुधवार है। इस दिन आपके विवाह होने की प्रबल संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों के बीच मिठाई बांटे, आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। वृश्चिक राशि के लड़के लड़की की शादी की 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और 32 वर्ष तक है तो आपकी शादी की युग 2021 में प्रबल है। शादी का महीना नवंबर और दिसंबर हो सकता है। साथ ही दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें, आपकी शादी हो जाएगी। धनु राशि के लड़के लड़कियों की शादी की 20 वर्ष से ही बनने लगते हैं। तो अगर आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है और आप धनु राशि के जातक हैं तो शादी 2021 में जरूर हो जाएगी। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर हो सकता है। इन 6 महीनों में ही शादी की प्रबल संभावना है, क्योंकि शादी के योग जो है इन्हीं महीनों में बन रहे हैं। अगर बात करें दिन की तो गुरुवार और रविवार आपके लिए शुभ दिन है। इस दिन शादी के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, आपकी शादी हो जाएगी। मकर राशि के लड़के लड़कियों की शादी योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं और शादी 30 वर्ष तक होती है। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और 30 वर्ष से कम है तो शादी की संभावना 2021 में भी प्रबल है। शादी का महीना मई, जून हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दें, इससे आपका चंद्र मजबूत होगा और शिव जी प्रसन्न होंगे, इससे आपके शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। कुंभ राशि के लड़के लड़कियों को शादी की योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी की 29 वर्ष तक रहता है। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है तो 2021 में आपकी शादी की योग की संभावना प्रबल है। शादी का महीना अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है। ऐसा कहा गया है कि कुंभ राशि के जातकों पर इस वर्ष शनिदेव और शिव जी की कृपा है और उनकी शादी की योग प्रबल है। यानी कि कुंभ राशि के जातक जो भी है, एस और जी नाम के लड़के और लड़कियां, उनकी शादी 2021 में 100% होगी। साथ ही बात करें दिन की तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दिन शुभ है। इस दिन विवाह मुहूर्त आपका निकल सकता है। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें, आपका कल्याण होगा, आपकी शादी हो जाएगी। मीन राशि के लड़के लड़कियों की शादी की योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपकी शादी के योग के हैं तो आपकी शादी इस वर्ष जरूर हो जाएगी। इसके लिए आपको तुलसी के पौधे में रोजाना नीचे तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, आपका कल्याण है, आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। शादी का महीना जनवरी से लेकर मई तक हो सकता है। तो जनवरी में केवल एक दिन विवाह मुहूर्त है, 18 जनवरी को। इसके अलावा सीधे अप्रैल में ही विवाह मुहूर्त है, तो अप्रैल और मई तक आप इंतजार करें, आपका विवाह निश्चित हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई थी। हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना है, आप सूचना हेतु ही ले। अगर इसके अतिरिक्त आप मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उससे पहले आप नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से जरूर सलाह लें। आप चाहे तो अपने किसी नजदीक के ज्योतिष से भी संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर अपनी शादी की गणना जान सकते हैं और मुहूर्त, ग्रह दशा भी जान सकते हैं। आप चाहे तो केपी कीवानी से भी संपर्क कर सकते हैं। केपी कीवानी पर सभी प्रकार की जो ज्योतिषीय गणना है वह केवल यूट्यूब पर मुफ्त में दी जाती है। अगर आप संपर्क करते हैं तो इसके लिए गुरु दक्षिणा जरूर दें। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया है कि बदलाव तब संभव है जब आप अपनी कुंडली दिखाकर अपनी निजी जानकारी पाते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। डैशबोर्ड और प्ले लिस्ट पर शादी से संबंधित सैकड़ों वीडियो है जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो उन वीडियो पर जाएं और उन्हें देखें, उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे। माता रानी करे आपकी शीघ्र शादी हो जाए और मन चाहा जीवन साथी मिले। सुख समृद्धि शांति का आगमन आपके घर और परिवार में हो, यही केपी कीवानी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, जय श्री राधे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।